टीना दत्ता ने बोला कि प्रियंका और अंकित जैसे हैं अब एमसी स्टैन और गोरी न गोरी। आखिरकार वो यहाँ पर बात क्या कर रही है और इन दोनों को आखिरकार प्रियंका और अंकित को एमसी और गोरी के साथ कैसे कंपेयर कर रही है और क्यों ऐसी बात बोल रही है, चलिए मैं आप लोगों को पूरे माजरे के बारे में बताती हूँ और आप लोग भी हमें पूरे माजरे के बारे में जानने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए कि क्या प्रियंका और अंकित के जैसे एमसी स्टैन और गोरी न गोरी है या नहीं है। तो गाइज जैसे ही जो है टीना और निमृत बात कर रहे होते हैं, जहां पर टीना जो है अपने अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई किसी के साथ अलायंसेस बन जाए, क्योंकि इस घर में जो है अलायंसेस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, पर यहां पर अलायंसेस बन ही नहीं रहे हैं क्योंकि टीना का कहना यह है कि अभी ट्रस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है लोगों के ऊपर और किसी के ऊपर भी हम लोग ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। इवन एमसी के ऊपर मैंने ट्रस्ट किया था, उसने जो है क्या किया देखो, मुझे लेने वाला था रूम में पर उसने शालिन को ले लिया, उसने एक अलग गेम खेली है। और यहाँ पर लोग ग्रुप ग्रुप बोलते हैं कि इसका ग्रुप है उसका ग्रुप है, अभी ये ग्रुप नहीं रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में कपल बन चुके हैं, पेयर बन चुके हैं, जहां पर प्रियंका और अंकित का है पेयर और वैसे ही जो है वो एमसी स्टैन और गोरी न गोरी है, जहां पर गोरी न गोरी भी और एमसी स्टैन भी साथ में ही खाना खाते हैं, साथ में ही उठते हैं, साथ में ही बैठते हैं, साथ में जो भी जहां पर भी है साथ में ही रहते हैं, वो एक पेयर बन चुके हैं। ये प्रियंका और अंकित तो एक पेयर है ही, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। वहां पर सौंदर्या और गौतम का एक पेयर बन चुका है, तो ये पेयर जो है घर के अंदर खेला जा रहा है, यहाँ पर अलायंसेस बनानी काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि जो बिग बॉस ने किया है मेरी नजर में उसकी अलायंसेस बनानी वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर रूम्स अलग रहेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अभी क्या है, अगर मैं इसके साथ अलायंसेस बनाऊं तो ये तो कुछ और रूम में चला जाएगा, वो किसी और के साथ अलायंसेस ना बना ले, इसलिए कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। बिग बॉस ने ये रूम अलग करके बहुत ही बड़ी गलती की है। पर आप लोग बताइए कि प्रियंका और अंकित जैसे एमसी स्टैन और गोरी न गोरी है आपकी नजर में? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।